प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें भविष्यत्कालिक क्रिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 3 है भविष्यत्कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य का कारिका आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत्कालिक कालिक इसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों देखिए उदाहरण नंबर भेद नंबर 3, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। तो यह अंतिम है तीसरा भविष्यत्कालिक क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध और बोध यानी होता जानकारी या ज्ञान उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं और भविष्यत्कालिक क्रिया की पहचान कालिक भविष्यत्कालिक क्रिया की पहचान और प्रिय विद्यार्थियों भविष्यत्कालिक क्रिया की पहचान होती है गागे की। वाक्य के अंत में गागे की आता है, जैसे मोहन विद्यालय जाए और सीता मंदिर में आरती करेगी तो जाएगा करेगी, कुछ दिनों बाद विद्यालय खुलेंगे, तो इसकी भविष्यत्कालिक क्रिया की पहचान है गागे। अब इसका हम उदाहरण नंबर लेंगे 1। नंबर 1 घना पक्षी, घना पक्षी विहार में
बनारस है, अब इस वाक्य को देखिए, घना पक्षी विहार में विदेशी सारस आएंगे। आप क्रिया ये वाली है, आना या आएंगे, तो कार्य पक्षियों के आने का कार्य भविष्य में होगा। घना पक्षी विहार है में विदेशी सारस से आएंगे, तो यहाँ पर है भविष्यकालिक क्रिया है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, घना पक्षी विहार ये भरतपुर में, और ये घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है और ये राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर विदेशी सारस आते हैं, जैसे टर्की, रूस, लीबिया, साइबेरिया, घना पक्षी विहार है वहां पर है टर्की, रूस, लीबिया और साइबेरिया। यहाँ के सारस से नवंबर माह में आते हैं और नवंबर माह में आकर के प्रजनन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और वहीं पर रहते हैं, और मार्च के अंत में इस घना पक्षी विहार को छोड़कर अपने बच्चों सहित अपने स्वदेश से लौट जाते हैं। इन सारसों में आने वाली जो संख्या है सबसे ज्यादा है साइबेरिया देश के साथ सारस आते हैं। साइबेरिया यहाँ करके यहाँ के जो सारस हैं वो अधिकांश से अधिक मात्रा में घना पक्षी विहार में आते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, नवंबर अभी आएगा, लेकिन ये विदेशी सारस से अपने देश से निश्चित समय के अनुसार वहाँ से उड़ते हैं घना पक्षी विहार में आने के लिए, और उड़ते भी हैं, रात्रि में विश्राम भी करते हैं, भोजन भी करते हैं और शत्रुओं से अपनी रक्षा भी करते हैं, और फिर महीनों में जा करके और नवंबर माह में घना पक्षी विहार में आते हैं। अब इनके पास ऐसी कौन सी युक्ति है, कौन सी भगवान ने इनको शक्ति दी है कि अपने देश से उठ करके, और इनको कैसे पता चलता है कि भारत कहाँ पर है और घना पक्षी विहार कहाँ पर है, और घना पक्षी विहार में आकर के उतरते हैं। इस बात की जानकारी आप अपने विज्ञान के आचार्य से लेंगे, वही इसकी अधिक और स्पष्ट जानकारी देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, सड़क पर वाहन चलते हैं, वहाँ पर मार्ग बताने के लिए संकेत मार्ग लगे थे, भरतपुर इधर है और आगरा इधर है, जयपुर का तीर अलग बना रखा है, अलवर का निशान अलग बना रखा है, लेकिन आकाशीय मार्ग में कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है। फिर भी ये पक्षी अपने देश से उतर के महीने 20 दिन या 2 महीने में घना पक्षी विहार आते हैं और मार्च के अंत में चले जाते हैं। अब इनके विषय में कैसे आते हैं, अधिक जानकारी विज्ञान के आचार्य जी आपको देंगे। अब उदाहरण नंबर हम लेंगे 2, छात्रों को अनुशासन, संबंधी
अब ध्यान दीजिए, गुरु जी छात्रों को अनुशासन संबंधी जानकारी देंगे। जानकारी देने का कार्य भी नहीं हो रहा है और न जानकारी दी गई है, जानकारी भविष्य में दी जाएगी। तो इसके पहचान जो चिन्ह थे हमने बताए थे गागे की। तो गुरु जी छात्रों को अनुशासन संबंधी जानकारी देंगे, ये कार्य भविष्य में होगा। यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया है। और कौन सी है भविष्यकालिक क्रिया? देंगे। तो परीक्षा में जो वाक्य आता है उसमें कौन सी क्रिया हो पता लगाने का तरीका यही है, गागेगी आता है तो भविष्यकालिक क्रिया, और थाथेति का प्रयोग होता है तो भूतकाल की भूतकालिक क्रिया होती है, और कार्य वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान कालिक क्रिया होती है। अब उदाहरण नंबर लेंगे 3, हम सब। कल खाटू श्याम उदाहरण नंबर 3 देखिए, हम सबे कल खाटू श्याम जी के मंदिर जाएंगे। अब जाएंगे गागेगी यानी कार्य भविष्य में होगा, यानी कि आने वाले कल में होगा, तो भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया ये हो गई, ये इसको हम अलग निकाल करके यहाँ भी लिख सकते हैं, जाएंगे भविष्यकालिक क्रिया होगी। आप प्रिय विद्यार्थियों एक बात और ध्यान दो, पहले लिखा जाता था जाएंगे, पहले लिखते थे जाएंगे और जाएगा और लीजिए, पहले विद्यार्थी ऐसा लिखते थे 10-20 वर्ष पहले, लेकिन अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें संशोधन हो गया, ये तीनों गलत है। यहाँ पर ये की जगह ए आएगा, जाएंगे, अब ये आपका बिल्कुल सही है, जाएगा जाएगा। और इसी प्रकार कीजिए, इसको भी ऐसे लिखते हैं, और ये वाले सही है। अब हम उदाहरण नंबर लेंगे 4, प्रिय विद्यार्थी उदाहरण नंबर 4 कुछ दिनों बाद, विद्यालय उदाहरण नंबर 4 देखिए, कुछ दिनों बाद विद्यालय खुलेंगे,
ये क्रिया है, खुलना या खुलेंगे। और इससे पता चल रहा है कि कार्य, विद्यालय खुलने का कार्य बाद में होगा, भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। अब कब खुलेंगे, महीने भर बाद, 20 दिन बाद, ये अभी निश्चित नहीं, लेकिन विद्यालय अवश्य खुलेंगे। तो खुलेंगे, भविष्यकालीन क्रिया। यह भविष्यकालीन, और इसको प्रिय विद्यार्थियों में ऐसे भी बता सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आगे लिख सकते हैं भविष्यकालिक क्रिया कौन सी वाली है, खुलेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं खुलेंगे भविष्यकालिक क्रिया, ये भी बिल्कुल आपका सही है। अब उदाहरण नंबर 5, अनुराधा। अनुराधा छुट्टियों में सिंगापुर जाएगी। ये गलत, अनुराधा छुट्टियों में सिंगापुर जाएगी। अब पहचान पता चल गया गागे की, और जो जाने का कार्य आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा, इसलिए यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया। जाएगी हो गई भविष्यकालिक क्रिया। आप प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, सिंगापुर एक छोटा देश है, लेकिन सुंदर, स्वच्छ और पर्यटकों के लिए सबसे श्रेष्ठ शहर, सबसे श्रेष्ठ देश है, और इसका नाम सिंगापुर इसलिए पड़ा, यहाँ पर शेरों की संख्या अधिक थी, सिंह के आधार पर यहाँ इस देश का नाम पड़ा सिंगापुर। तो यह आ गया जाएगी, यह हो गया भविष्यकालिक क्रिया, और ये वाला प्रिय विद्यार्थियों गलत। अब उदाहरण नंबर लेंगे हम 6, लेना या लेगा, ये हो गया भविष्यकालिक क्रिया। अब अंतिम उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 7, वह मंदिर में, शिव जी की, आराधना।
वह मंदिर में शिव जी की आराधना करेगा करेगा गागेगी। ये भविष्यकालिक क्रिया। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण हमें ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।